सुबह उठकर देखता हूँ ये सुसु मास्टर नारकेली के पीछे पड़ा हुआ है। देखो कैसे इसको परेशान करने में लगा हुआ है। हाँ भाई, कैसे परेशान कर रहा है इसको, कैसे डोनगिरी दिखा रहा है। तो फिर मैं इसको बाहर छोड़कर आता हूँ। कल तो ये बिल्लोरानी अनारकली से मिलकर बहुत खुश थी, लेकिन ये भी आज इससे लड़ रही है। ऊपर से सुसु मास्टर भी इसको परेशान कर रहा है। और देखो ये मोटी तो प्रिंसेस के साथ कुंकू कराटे करती रहती है। और यहाँ प्लूटिंगो भैया दांत बाहर निकाल कर लेटे हैं, डेली ब्रश करता है प्लूटो। देखो कितने व्हाइट दांत है इसके। और देखो ये फिर से आ गया, प्लूटो पर भौंक रहा है। प्लूटो सोच रहा होगा ये क्या कार्टून आ गए, पूरे दिन उल्टे काम करते रहते हैं। फिर मैं निंजा बाइक लेकर फार्म पर जाता हूँ, वहाँ ट्यूबवेल चलाता हूँ, आज बढ़िया मौसम हो रहा है। फिर घर को आता हूँ, घर आकर देखता हूँ चिली को पैर में किसी ने कुछ मार दिया है, तो दर्द हो रहा है। फिर इसको बोले नहीं लगाता हूँ। फिर मैं उस डॉग की बैंडेज चेंज करके आता हूँ। फिर शाम को मैं और प्लूटो जब घूमने जाते हैं तो नंदू महाराज के भैया मिल जाते हैं। आप सब कमेंट में बोल रहे थे कि भैया इसको अडॉप्शन के लिए मत दो, देखो तभी बड़ी हो जाएगी तो मेरे मोहल्ले में भी घूमा करेगी, लोग इसको डंडे से मारा करेंगे, जैसे कि चिली को डंडा मार दिया किसी ने आज। उससे अच्छा तो ये है कि इसको अच्छा सा घर मिल जाएगा, बेचारी वहाँ खुश रहा करेगी।